हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आखिरी चैप्टर है हमारा सिक्योरिटी इश्यूज का, दैट इज द मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कई सारी बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज इंडिया में कौन है जो डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग के, इसके बारे में देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट कैसे इवेल्यूएट लाइक एवोल्यूशन हुआ है इस कॉन्सेप्ट का, ये मनी लॉन्ड्रिंग का, इस क्लास में कवर किया जाएगा। कंप्लीट टॉपिक रहेगा हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटीज का देखा हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन से लेके मनी लॉन्ड्रिंग आखिरी टॉपिक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, सिक्योरिटीज भी बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हर एक साल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइड। एंड सेकेंडली, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप से आपको कोई भी डाउट हो आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। आप फोटो क्लिक करके भेजिएगा, या तो मैं या फिर हमारी टीम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन आई मीन टू से। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या हुआ कि पर्सन जो है, ये कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटीज चला रहा है। ये एक इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। इस इलीगल एक्टिविटी से क्या करता है, उस इलीगल एक्टिविटीज से इलीगल वेल्थ मींस इनकम कमा रहा है। वो भी जो भी इनकम होगा वो इलीगल इनकम है, इलीगल वेल्थ। एंड इस इलीगल वेल्थ को ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, इट लाइक कन्वर्ट इट इनटू द लीगल वेल्थ, convert it into legal wealth, इसको legal wealth। और ये जो पूरा process है, इस process को हम लोग बोलते हैं, this complete process is called, this complete process is called money laundering। यही कॉन्सेप्ट है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का। क्योंकि कोई भी एक पर्सन, अगर मुझे अपने पैसे को, एग्जाम्पल मैं कोई गलत काम करता हूँ, गलत काम करने की वजह से जो मेरे पास इनकम आ रही है, मैं उस इनकम को कहीं पे जैसे ट्रस्ट खोल दिया एंड सो ऑन, जिस तरीके से मैं अपने पैसे को एक लीगल वे की तरह दिखा सकूं, उस सारे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। कोई भी ह्यूज अमाउंट है जिसको इलीगल ऑब्टेन किया गया है, मनी अपीयर्स टू हैव कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, या फिर कोई अदर सीरियस क्राइम्स, इसकी वजह से ये सब कुछ करने से अगर आपको पैसा मिलता है, जो भी पैसा मिल रहा है उसको अगर आप ये सारा कन्वर्ट कराते हैं लीगल वेल्थ में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट, जैसे डर्टी अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया जाएगा क्लीन चिट में, कि क्लीन अमाउंट में बन जाएगा। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रीक्वेंटली, यूज्ड इन द फंड टेररिज्म। टेररिज्म के पास क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था कि टेररिज्म में भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज द मनी लॉन्ड्रिंग। गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन किया हुआ था, या फिर जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, वो यही बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेके ही किया जाता है। डिमोनेटाइजेशन में वन ऑफ द रीजन जो दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, वो मनी लॉन्ड्रिंग ही दिया हुआ था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से कई सारे प्रॉब्लम फेस किया जाता है इन द नॉर्थ, ये हमारा जो वैलीज में एंड सो ऑन। मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरपोल के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग एक कॉन्सीलमेंट है, एक या फिर कॉन्सीलमेंट ऑफ आइडेंटिटीज है अनलॉफुल, जो कि ऑब्टेन किया जाता है थ्रू इलिजिटिमेट सोर्सेस के जरिए। यू कैन राइट दैट थिंग,
जो भी हम लोगों ने देखा हुआ था उसको भी आप मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बता सकते हैं, जो कि ये जो ऐसी एक्टिविटीज है जहां पे सीरियस क्राइम इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, रॉबरी हो, एक्सटॉर्शन हो। यहाँ पे बल्क कैश स्मगलिंग किया जाता है, जो सेल कंपनीज होती हैं या फिर जो ट्रस्ट होते हैं, यहाँ पे राउंड टिपिंग किया जाता है, एज वेल एज हवाला फॉल्स इनवॉइसिंग, कोई गलत इनवॉइस बना के भेज दिया गया, और कोई अदर मेथड। ये सारा क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन से चीज जो है, लाइक व्हाट वी कैन से, क्योंकि हेल्प करते हैं द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो एक हवाला एजेंट, रियल एस्टेट्स, ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन, बैंकर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे के सारे जो है ये हेल्प किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। या सितंबर 11, 2001 में मनी लॉन्ड्रिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, जो सब्जेक्ट निकल के आया हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। और यहाँ पे ये आइडेंटिफाइड किया था जो भी सोर्सेस हो रहे हैं फंडिंग के फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है। और इंटरनेशनल बैंक्स को का भी एक्सपेंशन हो रहा था ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से ट्रांसफर, जो भी हम लोग बात करते हैं, फंड ट्रांसफर भी बहुत तेजी से चल रहा था उस समय। मनी इज लॉडेड यूजिंग द मेथड ऑफ राउंड टिपिंग। राउंड टिपिंग को, जो राउंड टिपिंग मेथड, उसके जरिए मनी को एक लाइक व्हाट वी कैन से लॉडेड किया गया था, जहाँ पे जो भी ब्लैक मनी होती थी उनको ट्रांसफर किया जाता है टू टैक्स हेवन कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। अगर हम लोग बात करते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज के बारे में, जैसे कि मॉरिशस हुआ या फिर सिंगापुर एंड सेवरल अदर्स, जितना भी ब्लैक मनी है इनको वहां पे भेज दिया जाएगा और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द व्हाइट मनी, और उसको वापस, वो पैसा वापस इंडिया में लेके आया जा सकता है थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये होता है राउंड ट्रिपिंग। तो राउंड ट्रिपिंग आप समझ सकते हैं इस चीज को, अपना ब्लैक मनी को आप किसी भी, जहां पे टैक्स हेवन कंट्रीज है उन टैक्स हेवन कंट्रीज में लेके जाइएगा, वहां पे वाइट करिए, वाइट करने के बाद आप वापस फिर से लेके आ जाइए इंडिया में। दैट इज कॉल्ड द राउंड ट्रिपिंग। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपने इस साल का पेपर देखा होगा जो यूपीएससी का था, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूपीएससी पूछता ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो भी पूछना है वो पूछ सकता है। करंट अफेयर्स उसने स्पेशली मेंशन किया है, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में ये भी पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या काम, लाइक कॉम्बिनेशन है। और उससे पहले हवाला एंड मनी लॉन्ड्रिंग का अगर हम बात करते हैं, तो इसका ओरिजिन, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। ये 4000 BC इसका जो ओरिजिन देखने को मिला वो चाइना से है। और वन मिनट, ओरिजिन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग चाइना 4000 BC, और उसके बाद से ये 20th सेंचुरीज में यूएस में देखने को मिला। यूएस जो भी कारवॉश बिजनेस थे या फिर कैसीनोज या फिर लॉन्ड्री, जो मनी लॉन्ड्रिंग में होता क्या है, वहां पे जो सिस्टम है लॉन्ड्रीज का, तो पैसा लगाया और वापस आपको मिल जाए, मतलब आपने पैसे डाले फिर वापस आ जाए, तो कपड़े उसमें सुखाए और अच्छे निकल के आ जाए। मींस क्या है कि आपने गंदे कपड़े डाले और उस आप लॉन्ड्रिंग में यही तो होता है, वहीं से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है यूएस से। हवाला का इसमें क्या रोल है और डिफरेंस क्या है हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। जो हवाला है ये क्या होता है, लिटरली मींस ट्रस्ट। हवाला का जो भी बिजनेस होगा,
यहाँ पे ट्रस्ट के बेस पे होगा। या देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको हवाला को समझना है तो कोई भी पर्सन और किस तरीके से हवाला का यूज किया जाता है आप ये देखिएगा। यहाँ पे एक कोई हवाला एजेंट है, हवाला एजेंट आप क्या, ये आपको, आप इंडिया में गए और ये हवाला जो एजेंट है वो इंडिया का ही है, ये ट्रस्ट करता है स्विस पर। अब स्विस का मतलब क्या है, यहाँ पे स्विस बैंक के जो एजेंट है और इसका जो काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट ऑफ हवाला एजेंट, और दैट इज द स्विस बैंक एजेंट। तो इस तरीके से मेन बात अगर हम बात करते हैं हवाला का, तो हवाला में बिल्कुल ट्रस्ट है, मैं किसको पैसे दे रहा हूं या मैं किससे पैसे ले रहा हूं ये किसी को नहीं। अगर मैं किसी के पास जाता हूं तो ये उसको पता नहीं चलेगा कि ये वही पर्सन है या नहीं। क्या करते हैं दूसरा के नोट नंबर, अगर आपने सुना है नोट नंबर मिलता है या फिर कई सारी मूवीज में देखा होगा फटा नोट, यहाँ पे आपको फटा नोट मिल गया और वही अगर फटा नोट बिल्कुल सेम मिल जाता है, मैच हो जाता है, तो क्या है आप इसका मतलब ये है कि आप जो पैसे दे रहे हैं वो सही पर्सन को दे रहे हैं। जो हवाला है एक पैरेलल चैनल है जिसके वजह से हम लोग पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी को अवॉइड किया जाता है ताकि स्टैंडर्ड बैंकिंग सिस्टम। देखिए हवाला इसलिए भी यूज किया जाता है कई लोग, क्योंकि हवाला में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन किया जाता है, और वही चीज गवर्नमेंट को टैक्स ना देने की वजह से अब पीपल जो लोग हैं, जो लोग हैं हम लोग, कोई नॉर्मल पीपल भी हवाला का यूज करते हैं ताकि वो टैक्स से बच सके। एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से मनी ट्रांसमिशन लाइक ट्रांसमिशन होता है, और यहाँ पे कोई भी फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं आपको ये नहीं है, अगर आपको अपना पैसा इंडिया से यूएस भेजना है, इंडिया से कहीं पे भी भेजना है किसी भी देश में, अगर उनका एजेंट यूएस का एजेंट इंडिया में है तो एजेंट को पैसे दो, आपके पैसे पहुंच गए। यहाँ पे कोई भी बैंक का चक्कर नहीं है आपके पास, और ना ही डॉक्यूमेंट का चक्कर एंड सो ऑन, और ना ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे जाके देना पड़ेगा एंड कई सारी चीजें। तो ये सारा एक फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं होती इस चीज में। तो जहां पे फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं हो और आपके पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएं, उस चीज को क्या बोला जाता है, हवाला ट्रांजेक्शन कहा जाता है, दैट इज नोन एज द हवाला ट्रांजेक्शन। एक ऐसा टाइप ऑफ अल्टरनेटिव है एज वेल एज पैरेलल रेमिटेंसेस सिस्टम है जिसकी वजह से बैंक जो कि ऑपरेट करता है ट्रेडिशनल बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स के आउटसाइड के बाहर। यहाँ पे बैंकिंग का रोल नहीं है, सीधा यही है उनके जो एजेंट होंगे वो बैठे होंगे, उनको पैसे दो और वो सारे पैसे अगर आपने यहाँ से दे दिए तो इसका मतलब ये है वहां पे कंफर्मेशन पहुंच गया, अगर कंफर्मेशन पहुंच गया तो आपका जो पैसा है वो सही पर्सन को चला गया एंड सो ऑन। रीजंस क्या होते हैं हवाला के, हवाला को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। एक तो कमीशन जो रेट है काफी रिलेटिवली मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू द बैंक रेट। बैंक में अगर आप जाते हैं और आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो बहुत मीन्स उस चार्ज वो ज्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू द हवाला। यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और द डिस्क्लोजिंग वन सोर्स ऑफ इनकम, कि आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है। ये मैं आपको पहले बताया था कि ये हवाला वही लोग यूज करते हैं जिनको अपना टैक्स से बचाना है, कि नहीं हम अपना गवर्नमेंट को जो पैसा कमाते हैं वो इतना ही है, मतलब वो कम पैसा दिखाने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लाइक इट हैज इस्टेब्लिश इटसेल्फ एक डिपेंडेबल एज वेल एज इफिशियंट रेमिटेंसेस मैकेनिज्म। हवाला ऑपरेट करता है फॉर बेटर एक्सचेंज रेट देन द ऑफिशियल, जो भी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है उससे अच्छा एक्सचेंज रेट हवाला प्रोवाइड करता है।
क्योंकि यहां पे कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं है कैश का। वन अपोज टू, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से रीजन है, यहाँ पे एक लेंथी डॉक्यूमेंट जो कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साइन कराते हैं, सो ऑन इंफॉर्मेशन भी आपसे ली जाती है और काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस रहता है। और वेयर एज जो हवालास का प्रोसेस है काफी सिंपल है, कोई भी यहाँ पे पेनलेस, कोई भी इतना ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं है कि आपको एक एक दो दो घंटे लग जाए, लाइन में लगो फिर डॉक्यूमेंट साइन करो एंड सो ऑन। इट ओनली वे टू गेट अनअकाउंटेड मनी आउट ऑफ द कंट्री। जो भी आपने यहाँ पे पैसा कमाया है किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना पैसा वहां पे गया हुआ है। अगर आप यही सेम चीज बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो बैंक वालों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, एज वेल एज गवर्नमेंट, बैंक के पास है तो गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना ही पड़ेगा अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है तो। एक ऐसा नेटवर्क है जो कि वाइडली ऑल ओवर मतलब पूरे विश्व में इसको यूज किया जाता है ताकि जो भी ब्लैक मनी है उसको सर्कुलेट किया जा सके और फाइनेंस कर इसको टेररिज्म के लिए भी यूज किया जाता है, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर आपने जो भी पैसा कमाया हुआ है इन सारे टेररिज्म से, ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर कोई अदर इलिसिट ऑपरेशन से अराउंड द वर्ल्ड, हर एक जगह ये जो चीजें यहाँ पे बताई गई, चाहे टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सो ऑन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इससे वजह से अगर आपने जो भी पैसा कमाया दैट अकाउंट्स एज द ब्लैक मनी, उस ब्लैक मनी को आप दिखा कैसे दिखा पाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना ही पड़ेगा, इसलिए हवाला यूज किया जाता है। कई सारे टेक्निक्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। पहला हमारा स्ट्रक्चरिंग डिपॉजिट, इसका मतलब ये है कि ये अवॉइड करता है जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, that is the breaking cash into the smaller deposit of money that are then exchanged by the several individual, kyunki yahan pe jo several people ka involvement hota hai aur iski wajah se smurfing aa jata hai, isliye structuring deposit ka use kiya jata hai। cell firms jo companies hain इनका कोई भी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, इसीलिए ये लाइक क्या बोलते हैं, जो फ्लिटी मनी है उसको एक्सेप्ट करते हैं जब पेमेंट फॉर ऑथेंटिसिटी पब्लिक लाइक प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये उस चीज जैसे कि हम लोग बात करें सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस को नहीं, ये गुड्स एंड सर्विस आपको नहीं देंगे। इंस्टेड दे यूज फ्रॉडलेंट इनवॉइस, कोई ऐसा फ्रॉडलेंट इनवॉइस दिया जाएगा, बैलेंस शीट प्रोवाइड करी जाएगी जो कि इल्यूजन होगा ऑफ लीगल ऑपरेशन। कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक इंफॉर्मेशन दी जाए, अच्छा आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है इस वन, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप भी इस चीज में नहीं है, आपने कहीं ना कहीं तो ये देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बता देता हूँ, देयर आर सो मेनी एरियाज, यहाँ पे तो रेड भी हुई है लाइक हमारा कौन सा दिल्ली का चांदनी चौक में एरियाज में, वहां पे कई सारे ये मनी लॉन्ड्रिंग टाइप के लोग बैठे होते हैं, हवाला वाले लोग बैठे हुए हैं। काउंटर चेक या फिर बैंक और बैंकर्स ड्राफ्ट मेड ऑन न्यूमरस इंस्टीट्यूशन आर यूज्ड एंड क्लियर्ड थ्रू अ वैरायटी, इनको ये इसको यूज किया जाता है जो काउंटर चेक्स होते हैं या फिर जो बैंकर्स के जो ड्राफ्ट हैं इनको यूज किया जाता है और सो क्लियर किया जाएगा एक थर्ड पार्टी अकाउंट के थ्रू जिसका द लिंक टू द सोर्स मनी इज डिफिकल्ट। अब ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका जो पैसा आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक एस्टैब्लिशमेंट होता है नेगोशिएशन इन मनीज नेशन। It is difficult to establish because there are negotiation many nations. Bulk cash smuggling किया जाता है। Bulk cash smuggling एक physical transporting है क्योंकि cash to another jurisdiction में पहुंच, मतलब आपका जो cash है वो दूसरे jurisdiction में पहुंच जाएगा, वहां पे deposit हो जाएगा उनके financial institution में और जहां पे higher bank secrecy रहती है और हायर बैंक सीक्रेसी होगी साथ ही में लेसर मनी लॉन्ड्रिंग एनफोर्समेंट होगा जैसे कि ऑफशोर बैंक। और कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में, क्रेडिट कार्ड्स
यूजिंग डिफरेंट बैंक काउंटर टू सेटल क्रेडिट एंड चार्ज कार्ड बैलेंस। तो ये जो कार्ड्स होते हैं इनको यूज किया जाएगा फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस और क्रॉस बॉर्डर कंपैरेटिवली भी। अगर हम बात करें एक इंस्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज बाय करना है तो आपने अगर कुछ चीज को बाय किया है, उसकी सर्विस अगर आपको मिल रही है, सर्विस का आप पे कर रहे हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसका आपने पे किया और पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द कैश डिस्पेंसर्स। क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बिटकॉइंस फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए बिटकॉइंस, ये इनेबल करता है, कंप्लीटली एनोनिमिटी रहेगी और इंक्रीज करेगा टेररिस्ट फाइनेंस को। हमने एविडेंस भी देखने को मिला है 2015 में जो पेरिस में टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहां पे कुछ टेररिस्ट की जो कुछ टेररिस्ट की जो वेबसाइट थी उन्होंने एंकरेज किया कि जितने भी सिंपथाइजर्स हैं कि आप बिटकॉइंस में डिनोट करो, ऐसा कहा जा रहा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन फ्रांस। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया 2016 में, एक फ्लड ऑफ द सिमिलर डिजिटल करेक्शन वॉज ऑब्जर्व। एक ये सब कुछ जो डिजिटल ट्रांजेक्शन देखने को मिला उसकी वजह से जो नया दिस न्यू हवाला हैज पोटेंशियल टू बिकम एक कन्वीनियंट देखने को मिला, एज वेल एज ये क्या करते हैं टेररिस्ट को पैसा प्रोवाइड करते हैं या फिर अदर जो क्रिमिनल्स हैं उन लोगों को पैसा जाता है, और उसकी वजह से जो भी रेगुलेशंस है एक एडुकेट रेगुलेशंस ऑफ बिटकॉइन की जरूरत है हमारे देश के हित के लिए, हमारे देश की जो इकोनॉमी है एज वेल एज सिक्योरिटीज है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। इफेक्ट क्या होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, अगर सक्सेसफुल मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है तो उसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर जनरेट होगा, क्रिमिनल बिहेवियर देखने को मिलेगा जो कि एंकरेज करता है एक एडिशनल क्रिमिनल बिहेवियर, और उसकी वजह से एक लार्जर रिवॉर्ड्स की वजह से जो मोर फ्रॉड एक्टिविटीज हैं होंगी वो बहुत ज्यादा करेंगे, एज वेल एज जो यंगस्टर्स होंगे उनको भी रिक्रूट किया जाएगा। क्योंकि देखिए लार्ज रिवॉर्ड मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है, रिस्क तो है लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको रिवॉर्ड्स भी तो अच्छा मिल रहा है। और अगर भी आप ये भी सोच लीजिए कि अगर इसमें आप अपना पैसा भी बचा रहे हैं तो रिवॉर्ड्स तो ज्यादा है, और एक्सपोज करता है अगर बाय एक्सपोजिंग सोसाइटीज टू द एक्टिविटीज जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा देना, स्मगलिंग को बढ़ावा देना, करप्शन को बढ़ावा देना या फिर कोई अदर जो भी क्रिमिनल एक्ट होते हैं उन सबको बढ़ावा देता है, इसकी वजह से जो सोसाइटीज का जो मोरल है एज वेल एज सोशल स्टैंडिंग वो भी कम होता है, वो भी डिग्रेड करता है। अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की लाइन में तो द ईज विद विच मेडिसिन आर अवेलेबल द मार्केट में जियो पैराडाइज सोसाइटीज सोशल बैलेंस। एक रेपुटेशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन बनी हुई है उसकी उसको भी हार्म हो जाएगा, मार्केट को भी हार्म हो जाएगा, एज वेल एज जो सोसाइटीज के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो भी वीक हो जाएंगे अगर मनी लॉन्ड्रिंग का बढ़ावा दिया है तो। गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर देगी। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से लोग पैसा बचाएंगे तो लोग जो टैक्सेस होगा वो टैक्स गवर्नमेंट के पास कम पहुंचेगा, जब टैक्स कम पहुंचेगा तो गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटीज है डेवलपमेंट स्कीम्स में वहां पे भी फर्क पड़ेगा और वो अफेक्ट करेंगे लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए आप हमेशा जो भी आंसर लिखते हैं उन आंसर को इस तरीके से बनाइए कि व्हाट वी कैन सी, इस तरीके से आपके आंसर होने चाहिए एक दूसरे से लिंक होते हुए। पॉलिसी डिस्टॉर्शंस भी अकर होगा क्योंकि जो भी मेजर मेजरमेंट एरर और मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस
रिसोर्सेज का जो भी मिस एलोकेशन हो रहा है उसकी वजह से, एज वेल एज जो मेजर किया गया है उसके एरर्स आए हुए हैं। जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होंगी दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और उसके जो क्या क्या लिंकेजेस है क्राइम में। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इकोनॉमिक पावर है वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम द राइट पीपल टू द रॉन्ग पीपल। अच्छे लोगों की वजह से गलत लोग के पास आ जाएगा सारा इकोनॉमिक पावर। गवर्नमेंट रेवेन्यू लूज कर देगी, हम लोगों ने पहले देख लिया है, रेवेन्यू लूज करेगी तो हमारी जो इकोनॉमीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटीज है वो भी बढ़ती जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ इलीगल मनी बीइंग पंप्ड इनटू इट। जो भी इलीगल मनी है वो आ रहा है हमारे देश में और इकोनॉमीज की अलावा इंडिया की जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी है वो जियोपॉलिटिक हो जाएगी में आ जाएगी, डिस्टेबलाइज कर जाएगा हमारे देश की इकोनॉमी को, उसकी वजह से फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफी देखने को मिलेगा, पॉलिसी डिस्टॉर्शन भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कई सारे एरर्स आएंगे एज वेल एज रिसोर्स मिस एलोकेशन में। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो भी डिस्करेज हो जाएंगे इस चीज में और एंकरेज करेगा टैक्स अवॉइडेंस कल्चर को। टैक्स अवॉइडेंस मेन वही है कि अगर गवर्नमेंट के पास अगर एक कोई कर रहा है तो बाकी भी वही सेम चीज करेंगे, जिसकी वजह से अगर टैक्स अवॉइडेंस होता है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट में भी गिरावट देखने को मिलेगी, गिरावट या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चैलेंजेस क्या है इस चीज को टैकल करने में, पहला चैलेंजेस यह है कि एक तो ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो मैचअप नहीं कर पा रही हैं, उनकी जो भी जो स्पीड है टेक्नोलॉजी की ग्रोइंग होने में उस चीज में प्रॉब्लम ये आ जाता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जब साइबर सिक्योरिटीज में देखा हो तो वहां पे भी सेम इश्यूज बन रहा था। सेकेंड प्रेडिक्टेड ऑफेंस ओरिएंटेड लॉ, इसका मतलब ये है कि कोई भी केस अगर आता है अंडर द एक्ट डिपेंड करता है क्या फेट है उस केस का और परस्यूड बाय द प्राइमरी एजेंसीज ओनली, जैसे कि सीबीआई हुआ या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर पुलिस। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ द केवाईसी नॉर्म्स, केवाईसी नॉर्म्स जो है वो सीज नहीं कर पाते और एब्सटेंड कर देते हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हवाला ट्रांजेक्शन, क्योंकि आरबीआई इस चीज को रेगुलेट नहीं करता है। एंड एक कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है मार्केट में जिसकी वजह से बैंक मजबूर हो जाते हैं जो भी उनके गार्ड्स हैं उस चीज को लोअर डाउन करने में, और इसकी वजह से मनी लॉन्डरर्स काफी ज्यादा इलिसिट यूज करते हैं इस चीज का और फिर क्राइम्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वाइड स्पेक्ट एक्ट ऑफ स्मगलिंग, कई सारे ब्लैक मार्केट चैनल की वजह से इंडिया में जहां पे जो गुड्स को सेल कर रहे हैं ऑफर कर रहे हैं कि मैनी इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स जैसे कि फूड आइटम्स हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच आर रोटेड रूटीनली सोल्ड, स्मगलिंग टाइप की हो रही है। ये सारे चैलेंजेस हैं, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, एक सेपरेट विंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कि डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, साइबर क्राइम को, टेररिस्ट क्राइम को, इकोनॉमिक ऑफेंस को एज वेल एज एक्सेट्रा, वो लैक कर रहे हैं कन्वर्जेंस अमंग देमसेल्फ। टैक्स हेवन कंट्रीज भी हम लोगों ने देखा हुआ है इस प्रॉब्लम बन जाते हैं कि किस तरीके से हमारे देश का जो भी गलत पैसा है उसको वहां पे लेके जाएगा चाहे सिंगापुर मॉरिशस एंड सो ऑन, वहां से उसको वाइट बना के फिर वापस इंडिया में, तो काफी ज्यादा इस चीज को प्रॉब्लम देता है टैक्स हेवन कंट्रीज। दे हैव अ लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सीक्रेसी लॉ की वजह से एक एनोमस अकाउंट मेंटेन किया जाता है जो प्रोवाइड करता है कि वो कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा। सजेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, सजेशन में आप थोड़ा देख लीजिए, एक एनलिस्ट करना है फ्रीक्वेंट प्रीडेट ऑफेंस ताकि वो एड्रेस कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है द ग्लोबल स्केल पर्टिकुलरली इन द ट्रांजेक्शनल नेचर ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। एजुकेशनल एंड अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, लोगों को
मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताना, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, इस चीज़ को लोगों को एक अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और उन लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एक कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट्स का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बना हुआ है तब एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो लॉ है दैट विल रीच लाइक द लॉज रीच विल बी ग्रेटर द मोर डिसेंट्रलाइज इट इज। अगर आप सब कुछ सेंटर में ही दे छोड़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी। आप इस चीज को डिसेंट्रलाइज कीजिए, डिसेंट्रलाइज करेंगे उनके पास भी पावर आएगी, स्टेट्स के पास पावर आएगी, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर आएगी, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस हैं, हवाला जैसे केसेस हैं, इन सारे केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। विसल ब्लोवर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी पता चलता है कहाँ पे हवाला ट्रांजेक्शन चल रहा है, कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर हम जैसे लोग जो यंगस्टर होते हैं या फिर जो जिन लोगों को छोटे छोटे काम में लगा दिया जाता है, उन लोगों को अगर वो गवर्नमेंट के प्रति काम करने लगे, गवर्नमेंट उनको कुछ मुआवजा भी दे देती है इस चीज को, ये सारे विसल ब्लोवर की तरह अगर काम करेंगे तो उम्मीद है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है या फिर हवाला जो चल रहा है इंडिया में, ये कंप्लीटली बंद हो जाए। तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है यंगस्टर का, क्योंकि देखिए बड़े जो बूढ़े लोग हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व होते नहीं है, जो बड़े लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, जो मेन टारगेट है वो यंगस्टर्स को किया जाता है। एवरी कंट्रीज लॉ इज एज फॉलोज, देखिए मीन्स हर एक देश के लॉज को फॉलो करना चाहिए। द की टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग To have all the countries across the world implement and enforce the same. देखिए मेन वही, अगर आप हमारे इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ अलग अलग कानून है, US में कुछ अलग कानून है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग कानून है, हर एक देश को अलग अलग लाइक हर एक देश का अलग अलग कानून है रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग तो ऑल ओवर द पूरे विश्व की ही, पूरे वर्ल्ड की ही सिचुएशन बन चुका है, हवाला पूरे वर्ल्ड का ही सिचुएशन बन चुका है, तो एक ही लॉ होना चाहिए ताकि जो भी क्रिमिनल्स से कहीं पे भी हाइड हो रखे हैं तो उनको जो यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है वो वहां पे भी उनको मिले। स्पेशल सेल फॉर डीलिंग विद द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को होना चाहिए। एक जरूरत है हम लोगों को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की, ताकि वो एक्सक्लूसिवली डील कर सकते हैं जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, और जो स्पेशल सेल्स है वो लिंक किया जाएगा इंटरपोल के साथ एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ विद द मनी लॉन्ड्रिंग। और यहाँ पे की जो भी ऑल इम्पोर्टेंट जो की स्टेक होल्डर होंगे, जैसे कि RBI हुआ, SEBI हुआ, इसका पार्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल्स की जरूरत है। लॉ इन लाइन विद द कन्वेंशन, आई एम रियली सॉरी, जो कंट्रीज हैं शुड क्रिमिनलाइज मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन लाइक नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस 1988, जिसको हम लोग वेना लाइक वेना कन्वेंशन भी कहा जाता है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2002। यहाँ इसके अंतर्गत भी जो भी कंट्रीज हैं वो क्रिमिनलाइज करें मनी लॉन्ड्रिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बेस्ड ऑन दीज कन्वेंशंस। अब हम बात करें नेक्स्ट है प्रिवेंशंस का, इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल पे प्रिवेंशन को किस तरीके से लिया गया है ये देखिएगा। आपने देखिए हम बात करते हैं ये सारी बॉडीज से, आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है तो हम लोग उतना ही देखेंगे जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन अराइज हो रही है ये समझिए। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तीन सिचुएशन हो रही हैं, वो तीन कौन कौन सी हैं। पहला नॉट सिचुएशन
मींस कौन हैंडल करता है। पहला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में और इसने 40 रिकमेंडेशन दिए हुए थे। अब 40 रिकमेंडेशन आपसे एग्जाम में तो पूछा जाएगा नहीं। मेन जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस चीज के लिए है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए या फिर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, जो भी टेररिस्ट के पास पैसा जाता है उस चीज को। रिसेंटली पाकिस्तान का आपने न्यूज में देखा होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी भी उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। तो क्या है, और इसने इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन चुका था 2011 में, इंडिया 2011 में इसका मेंबर बन चुका था। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म फाइनेंसिंग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म फाइनेंसिंग। और थर्ड जो है इंडिया ने, जब भी देखिए जब भी G20 या फिर कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमेशा इस चीज को जो ब्लैक मनी का जो इश्यू है हर बार इंडिया इसको रेज करता है, पर्टिकुलरली इन G20 इंडिया रेजेस ब्लैक मनी इश्यू G20 एवरी ईयर। मीन्स G20 में तो वो यूज करता है, इसके अलावा भी कई अदर प्लेटफॉर्म पे भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंडिया में क्या किया, अगर बात करते हैं इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि डील करते हैं रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज ये सारा टेररिस्ट फाइनेंसिंग एट द इंडिया लेवल। इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, के अलावा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे, और बात करते हैं इसने क्या किया, एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके आया हुआ था और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, और इन सब को अमेंड किए गए हैं। कौन कौन से एक्ट हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 एंड देन इसको अमेंड किया गया। और बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को जो 2012 में भी अमेंड किया गया था
और उसके बाद इसमें प्रोविजन भी लेके आए हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको लाइक आप उसके प्रोविजन देख सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी आप देख सकते हैं, एज वेल एज कौन लाइक इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंडिया में क्या है, किस तरीके किस एक्ट के अंतर्गत इनको रोका जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में आप क्या बोल सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट लॉज लेने की जरूरत है, अगर स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं ताकि जो भी स्ट्रिक्ट लॉज होंगे इसकी वजह से जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लाइक स्ट्रिक्ट लॉ किस चीज से रिलेटेड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का जो ट्रेंड है उस चीज को रोका जा सके, और उसमें एक अवेयरनेस ये फैलानी है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है। एंड देयर इज अ नीड टू सेंसिटाइज द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को सेंसिटाइज करना चाहिए अब उसका क्या रोल होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज में, एक कंटिन्यूस अपग्रेडेशन भी देखने की जरूरत है और डिसिमिनेशन होना चाहिए इन द इंफॉर्मेशन, और एक लाइक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियलिटी जो बनी रहे उसमें भी एक लाइक देयर इज अ नीड टू बिल्ड अ बैलेंस बिटवीन द फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटीज होगी वो टर्न इट टू द मनी लॉन्ड्रिंग हैवन। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड हो गया। इसके अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं, एक इंटरनेशनल रिजीम अटेम्प्ट टू मॉनिटर और रेगुलेट इंटरनेशनल रिलेशन एंड एक्टिविटीज, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स की भी जरूरत है जो भी होंगे ताकि वो क्या कर सकते हैं, अगर जितना भी लाइक ग्लोबली में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी केसेस आ रहे होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। प्रमोट करना है बेसिल्स कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन ने जो अडॉप्शन किया है ऑफ द स्टेटमेंट लाइक अडॉप्टेड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल दैट टारगेट मनी लॉन्ड्रिंग, उसको प्रमोट किया जाए। वेन अ कन्वेंशन को प्रमोट करना है ताकि एक ऑब्लिगेशन बन चुके जो भी सिग्नेटरी स्टेट हैं कि आपको क्रिमिनलाइज करना है लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी फ्रॉम ड्रग ट्राफिकिंग, एक रीजनल अप्रोच को भी जरूरत है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके और मेंटेन हो सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज इश्यूज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था मैंने सारा पूरा आपको दिया हुआ है, इससे ज़्यादा आप जो अप टू डेट होते हैं लाइक करेंट अफेयर्स में है वो आप लिखते ऐड करते जाइए बेसिकली, और इससे अलावा और कुछ नहीं आपको लिखने की जरूरत है। उन्होंने वे फॉरवर्ड भी देख लिया क्या क्या वे फॉरवर्ड ज़्यादातर सेम ही रहता है, क्या सजेशंस प्रॉब्लम्स क्या हैं इश्यूज क्या हैं, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स लिए, ये सब कुछ उन्होंने देख लिया। अब जो आएगा करंट वाला पार्ट आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस कोर्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए, हमें भी सपोर्ट मिले। So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content that you can either write in the comment section below, I will personally reply to all your doubts and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OPAL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session, and I wish you all the best for your preparation. Umeed karta hoon agle session mein let's see kaun sa mil jaye, shayad disaster management ya phir governance mein hum log milte hain, nahi to aap mere sath ओकुल बैंकिंग में बने रहिएगा। ओकुल बैंकिंग में हमारी लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं और चल भी रही हैं कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।